हेलो गाइस, राशि की रसोई में सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड। ये गार्लिक ब्रेड ऐसी है कि एक बार आप बनाओगे तो डोमिनोज़ को भी भूल जाओगे, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डो की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कर्ड 3 चम्मच। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस करें। और यहाँ पर देख रहे हो, मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास ये ना हो, बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें फूलनी शुरू हो गई हैं। और साथ ही मैंने ऐड करा है 1.5 कप मैदा। आधा चम्मच यहाँ पे नमक ऐड किया है। 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो कलर बहुत अच्छा आएगा और टेक्सचर अच्छा बनेगा। और साथ में ऐड कर देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो जैसे यहाँ पे मैंने अच्छे से हाथ धो लिए हैं, तो मैंने इसको डो को लगाना है, अच्छे से मसल मसल कर तैयार करना है। तो लो इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, इसको हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें सॉफ्ट डो लगाना है। ध्यान रखें, दूध जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ये ठंडा हो ना गर्म हो, तभी इससे अच्छा डो बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से डो मैंने लगा लिया है, सॉफ्ट बनाया। और ऊपर मैं 1 चम्मच लगा रही हूँ ऑयल, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट रहे। और हमें 1 घंटा इसको छोड़ना है रेस्ट करने के लिए, ताकि हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए डो। तुम्हारा ये नेक्स्ट स्टेप है, जिसपे मैंने लिया है 3 चम्मच बटर। ये एकदम सॉफ्ट बटर है, हार्ड नहीं है ना ही पिघला हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए। और साथ में मैंने ली हैं 10-12 कलियाँ, जो मैंने अच्छे से लहसुन की क्रश कर ली हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ ही 1 चम्मच ऐड करेंगे ऑरिगेनो। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा गार्लिक बटर बनके तैयार है और 1 घंटा हो चुका है। डो को भी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो करते हैं हम अगला प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी लिए हैं स्वीट कॉर्न, साथ में मोज़रेला चीज़ लिया है, जो कि हमें स्टफिंग के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। तो हम लोई को यहाँ पे अच्छे से बेलेंगे और थोड़ी बड़ी लोई बनाएंगे, और इसकी थिकनेस थोड़ी होनी चाहिए, ताकि हमें जो स्टफिंग करे वो बाहर नहीं आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रोटी मैंने बेल ली और साइड में पूरे जो इसके एजेस है उसको हाथों से दबाते हुए हल्के हल्के इसको पतले कर रही हूँ, ताकि एजेस हमारे जो मोटे बने ना बने, और नहीं तो अच्छे ही नहीं लगते, मैदा मैदा सा लगता है फिर। अब जो मैंने सारा गार्लिक बटर जो बना के रखा था, इसके ऊपर पूरा अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पर बटर हमारा पूरा फैल चुका है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चीज़। चीज़ को ध्यान रखें, एक साइड पे लगाना है आधा आधा करके, ताकि अच्छे से हम जब उसको कवर करें तो बाहर ना निकले, अच्छे से इसको फैला लें। अब इसके ऊपर लगा देंगे पूरी लेयर स्वीट कॉर्न्स की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने जो साइड्स पूरी हल्की हल्की छोड़ रखी हैं, इस पर मैं लगा रही हूँ पानी। और इसे हमें करना है अच्छे से बंद। जब हम बंद करें तो इसके किनारे बिल्कुल दबा दबा के बंद करने हैं, ताकि ये खुले ना। तो यहाँ पे आपको देखने में लग रही होगी कि ये डोरेमोन की पॉकेट है, बट इसमें निकलेगा स्वीट कॉर्न्स और चीज़ का खजाना, जो कि हमारी गार्लिक ब्रेड अच्छे से जब बनेगी तो फिर आपको पता चलेगा।
अभी फिलहाल मैंने एक फॉक लिया है, उसकी हेल्प से मैं पूरे एजेस को अच्छे से दबा रही हूँ। इससे क्या होगा, एक तो एजेस हमारे पतले हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएंगे जब हम पकाएंगे, ताकि कुछ भी इसे बाहर ना निकले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रेड को अच्छे से प्लेट में सेट कर दिया। ऊपर जो मैंने बचा के रखा था बटर, उसको मैं पूरा इसके ऊपर सेपरेट कर रही हूँ। जब ये बेक होगा, इससे इसका कलर बहुत बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स ओरिगैनो के साथ इसको दोबारा गार्निश कर रही हूँ। तो यहाँ पे नाइफ की हेल्प से मैं हल्के हल्के कट्स लगा रही हूँ। ध्यान रखें, इसको डीप कट नहीं करना है, नहीं तो ये चीज़ जो सारा मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा। ये इसलिए कटिंग की जाती है, जब ये बेक हो जाए तो ईजिली कटिंग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है, जिसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक अच्छे से सेपरेट करें, ये जब हीट होगी तो कढ़ाई हमारी जलती नहीं, साथ में बेकिंग इससे अच्छी होती है। तो इसे मैं कढ़ाई को ढक के अच्छे से 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट होने देती हूँ। ध्यान रखें, इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर करें, ताकि सेक अच्छे से आए। तो यहाँ पर कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है, तो इसमें हमें रखनी है बेक करने के लिए गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पर मैं सीधे डायरेक्टली इसको नहीं रखूँगी, यहाँ पे मैंने स्टैंड रखा है, जो कि आप देख रहे हैं कि उल्टा है, क्योंकि मेरी प्लेट ऐसे ही एडजस्ट होती है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में प्लेट को लगा दिया है। अभी इसे देखो, हमारी ब्रेड कितनी सुंदर लग रही है, जब ये बेक हो जाएगी तो कितनी बढ़िया बनेगी। तो इसे हम ढक के पकाएंगे कम से कम 30-35 मिनट के लिए, वो भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकानी है। तो यहाँ पर हमें 35 से 40 मिनट लग गए बेक करने पे। देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है और कितनी अच्छी बेक हो गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब देख ही रहे हो, गार्लिक ब्रेड हमारी बन के तैयार है, और ये यहीं पे इतनी सुंदर लग रही है और खाने में कितनी मस्त होगी। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको ये हमारी गार्लिक ब्रेड कैसी बनी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गार्लिक ब्रेड को कटिंग की है अंदर से। आप इसे देखिए, इसकी जो चीज़ की लेयर कैसी इतनी अच्छी दिख रही है, सभी आप देखो कैसे दिखा रही हूँ मैं आपको। कॉर्न्स भी पूरे एकदम अच्छे परफेक्ट बनी है ये। तो आप भी इसे बनाना ट्राई करें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।